नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, राजस्थान पुलिस आंसर की ऑफिशियल जारी हो चुकी है। आंसर की से पहले बच्चे कुछ अलग नंबर बता रहे थे, जब उन्होंने ऑफिशियल आंसर की देखी है, कल ही आई है ऑफिशियल आंसर, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। आंसर की को देखने के बाद बच्चे ने अपने नंबर मिलाए, अपना पेपर जो है मिलाया, उसके बाद उसके कितने नंबर बन रहे हैं एंड फिजिकल होना है राजस्थान पुलिस का, ये अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। फिजिकल के लिए जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब फिजिकल में आपके लिए कितने नंबर ज़रूरी है, इस आंसर की के बाद आपके लिए कितने नंबर होने चाहिए ताकि आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाए, तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं ओनली उसी को देखकर कर रहा हूँ जो बच्चों ने मुझे रिव्यू बताया, ठीक है। मैंने पोल रखा, पोल के माध्यम से मैंने स्टूडेंट्स से जाना जिसने राजस्थान पुलिस की प्रत्येक पारियों में एग्जाम दी थी। हर एक पारियों के स्टूडेंट से मैंने पूछा, श्रीमान जी आपके कितने नंबर बन रहे हैं आंसर की के बाद, तो उन्होंने मुझे जो टारगेट दिया था उसी का मैं विश्लेषण करके ही आपको यहाँ पर मैं फिक्स बता दूंगा दोस्तों, कितने नंबर पर आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत करना, बिल्कुल यहाँ पर गजब की वीडियो है, लास्ट तक देखना है। फिजिकल की तैयारी करनी है तो वीडियो को देखने के बाद दौड़ जो है स्टार्ट कर देना, ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, राजस्थान पुलिस ऑफिशियल आंसर की आने के बाद फिजिकल के लिए कितने नंबर जरूरी है। प्रिय दोस्तों, तो थोड़ी सी मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा, ओनली 1 मिनट का समय लूँगा, ठीक है। फिर हम मेन मुद्दे पर आते हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, महिलाओं की कितनी जाएगी एंड पुरुष की कितनी जाएगी, सभी कैटेगरी वाइज, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिए, बच्चों की कुछ परेशानियाँ आ रही थी, काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर राजस्थान में जो भर्तियां है राजस्थान पुलिस की, इसमें कुछ गड़बड़ देखी जाती है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जब पेपर होता है 150 प्रश्न आते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। 150 प्रश्न के लिए मात्र 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेपर सही नहीं होता है, हमसे जो प्रश्न बनते हैं वो भी समय पर पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि टाइम पूरा हो जाता है, ये कुछ कहना है बच्चों का। इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर देखा कि राजस्थान की RAS की जो एग्जाम्स है सेम उतने ही प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 3 घंटे का ये पेपर होता है, उसके बाद रीट को अगर देखते हैं आप राजस्थान में, वो ही सेम 150 प्रश्न आते हैं, 2.5 घंटे का पेपर रहता है। दोस्तों, जब RAS और रीट के लिए सही समय दिया जा रहा है एग्जाम्स के लिए, तो क्यों ना राजस्थान पुलिस के लिए भी सही समय दिया जाना चाहिए ना, 2.5 घंटे, कम से कम 3 घंटे तो होना ही चाहिए। तो ये बच्चों की समस्याएं आ रही थी, इस समय को देखते हुए एग्जाम्स में काफ़ी कम जो है कट ऑफ देखने को मिल रही है, आप जितना सोच रहे थे उतना नहीं है। जो अभ्यर्थी आंसर की से पहले बता रहा था उसके उतने नंबर नहीं बन रहे हैं जब उसने आंसर की देखी थी। तो हम चलते हैं प्रिय दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ की तरफ, ठीक है। फिजिकल के लिए कितने नंबर आपके लिए जरूरी है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, फिर कहना मत, पूरी वीडियो देख लेना फिर कमेंट्स करना, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जनरल के पुरुष अभ्यर्थी सुन लीजिए भाई साहब, आपको कम से कम पेपर में 85+ नंबर चाहिए तभी आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा। OBC वाले पुरुष अभ्यर्थी सुन लीजिए, आपको 85 नंबर तो कम से कम लाने जरूरी है। ST वाले सुन लो, जो पुरुष अभ्यर्थी 76 नंबर तो आपको लाने अवश्य है। SC वालों सुन लीजिए, पुरुष अभ्यर्थी 70+, बाकी MBC 80+ और EWS 80+, ये नंबर है दोस्तों। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो अभी जो है फिजिकल के लिए दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, जाइए अभी दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए, जल्द फिजिकल शुरू होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो फिजिकल में आप रह जाओ। ये तो हो चुकी है पुरुष के लिए बात,
महिलाओं के लिए अगर बात करें जनरल कैटेगरी की महिलाओं की, यहां पर नंबर चाहिए फिजिकल के लिए 75+ बहन जी, ओबीसी के लिए 73+ चाहिए, एसटी के लिए 69+ तो होने ही चाहिए, एंड एससी कैटेगरी महिलाओं के लिए 65+ नंबर होने चाहिए। एमबीसी कैटेगरी की अगर बात करें महिला की तो 70+ नंबर चाहिए और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 70+ नंबर चाहिए। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है बिल्कुल फैक्ट बताई है प्रिय दोस्तों, इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जिस भाई साहब जिस बहन जी के इतने नंबर आंसर की के बाद नहीं बन रहे हैं, घबराइएगा नहीं, खाना खा लेना, टेंशन में मत आ जाना प्रिय दोस्तों। महिलाओं सुन लीजिए, पुरुषों सुन लीजिए, इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, कम बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने मोहर नहीं लगाई है कोई राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए नंबरों की। कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ओनली 5 नंबर का ही अंतर आएगा। ठीक है, कान खोल कर सुन लीजिए, घबरा मत जाना, टेंशन मत कर देना, ठीक है, अपने परिवार को अपने आप को बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं लाना है। ये जो नंबर बताए हैं मैंने उससे आगे पीछे 2-5 नंबर हो सकते हैं। फिजिकल के लिए किस प्रकार की तैयारी चाहिए, कैसे आपको करनी है, राजस्थान पुलिस का एक एसआई का स्टूडेंट्स में लेकर आ जाऊंगा, जो पिछली भर्ती में एसआई में जॉब लगा हुआ है उससे आप पूछ लेना फिजिकल किस प्रकार होता है, कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे घोड़ों की तरह दौड़ना है। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे प्रिय बंधु लाइक कर देना, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद आपका भविष्य सुधर सकता है, सच्चाई से आपको रूबरू करवाया जाता है अभिषेक क्लासेस पर, और झूठ से लाखों दूर पछाड़ दिया जाता है, और इस यूट्यूब की दुनिया का पर्दाफाश भी किया जाता है। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी के लिए बिल्कुल A to Z अपडेट पाने के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।